महेश्वर दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 17 अगस्त 2023 को सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 17 अगस्त 2023 की प्रातः 8:04 पर सूर्यदेव अपनी वर्तमान जल तत्वी कर्क राशि को छोड़कर अपनी स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 17 सितंबर 2023 तक सूर्य सिंह राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा असर दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों, सूर्य सिंह राशि में जब प्रवेश करेंगे तो गुरु बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध बना रहे हैं, वहीं शनि और राहु के साथ भी दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो कहां कहां पर आपको सावधानी एक महीने में रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी और किन किन क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि आपको मिल सकती है, तो सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा और एक सात्विक ग्रह माना जाता है। पौराणिक समय से ही सूर्य को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। सूर्यदेव एक वर्ष में सभी 12 राशियों का एक चक्र पूरा करते हैं और जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं इसको संक्रांति कहा जाता है। तो सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो सिंह संक्रांति कहा जाएगा, यानी 17 तारीख को सिंह संक्रांति रहने वाली है। सूर्यदेव को उच्च पद, नौकरी, भाग्य, वैवाहिक जीवन, राजसिक वैभव, मान सम्मान, इन सभी का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर सूर्य का ही प्रतिनिधित्व होता है। यदि जन्म पत्री पर सूर्य शुभ स्थान पर स्थित हो, बलि हो, तो इनके परिणाम काफी सकारात्मक जीवन में प्राप्त होता है। सूर्य अगर बलि हो तो मनोवांछित सफलता कर्म क्षेत्र में मिलती है। जातक का स्वयं के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। सूर्य बलि हो तो सकारात्मक विचारधारा के साथ, लीडरशिप क्षमता के साथ जातक आशावादी भी होता है और सफलता अर्जित करता है। बलि सूर्य के प्रभाव से जहां कई प्रकार की प्रतिभाएं होती है, वहीं सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सफलता भी मिलती है। कमजोर सूर्य का प्रभाव आंखों में समस्या, हड्डियों में प्रॉब्लम, पीलिया का रोग, पिता के साथ संबंधों में खराबियां और मान सम्मान की कमी जीवन में देता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखने का प्रयास जरूर करें। मेष राशि वाले जातकों, सूर्यदेव आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव, संतान भाव, त्रिकोण भाव के स्वामी माने जाते हैं। जो 17 अगस्त 2023 को आपके राशि के पंचम भाव में एक साल के पश्चात शुभ स्थितियों में प्रवेश कर रहे हैं। राशि के पंचम भाव पर बुध देव भी मौजूद रहेंगे, तो बुध और सूर्य का उपस्थिति आपके पंचम भाव पर बुधादित्य योग बना रही है। तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई क्षेत्रों में आपको सकारात्मक प्रभाव मिलने वाला है। सबसे पहले धन के दृष्टिकोण से आर्थिक मामलों में समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। यदि ज्यादा मेहनत करने के बावजूद आपको करियर के मामले में आर्थिक समस्याएं लगातार हो रही थी, उससे आपको निजात होगी। कई क्षेत्रों से आपको विशेष धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। संतान पक्ष आपका काफी मजबूत रहेगा। मेष राशि के जातक संतान की प्रगति और उन्नति अपने जीवन में देखते हुए नजर आने वाले हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से इस समयावधि में समय बेहतर रहने वाला है।
मन में एकाग्रता, ऊर्जा, उत्साह आपके जीवन में बढ़ेगा और यही चीजें शिक्षा के मामले में आपको विशेष उपलब्धि और सफलता देने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में भवन, वाहन और भूमि का भरपूर लाभ आपके जीवन में होता हुआ दिखाई देने वाला है। मेष राशि वाले जातकों की नेतृत्व क्षमता यानी लीडरशिप क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आप अपने वाणी के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा जीवन में श्रेष्ठता अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। पंचम भाव पर सूर्य का गोचर होगा तो इस समयावधि में प्रेम संबंधों के मामले में समय आपके लिए बेहतर नहीं रहने वाला है। किसी गहरी फ्रेंडशिप में चल रहे हैं या प्रेम संबंधों में जुड़कर यदि आप चल रहे हैं तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। पंचम भाव से पेट के बारे में विचार करते हैं, सूर्य के ऊपर राहु और शनि की पड़ रही दृष्टियां पेट में जलन, गैस बनना, अपच और एसिडिटी की समस्या आपको देने वाली है। तो इस प्रकार का प्रभाव मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अब यहां पर दो विशेष सावधानी आपको रखने की आवश्यकता रहने वाली है। तो सबसे पहले रिश्तों को लेकर गुस्सा और अहंकार की स्थिति निर्मित करने से आपको बचना होगा। उसके साथ साथ दूसरी सावधानी मेष राशि वाले जातकों को यह रखनी चाहिए, किसी प्रकार का दिखावा करने से बचें। उपाय की जानकारी दिया जाए, इस एक महीने की समयावधि में एक लाल रंग का रुमाल अपने जेब में, अपने पर्स में हमेशा रखें। सूर्य जनित शुभता को अर्जित करने के लिए इस समयावधि में रोजाना सूर्य को जलाभिषेक करना और सूर्योदय के पहले सोकर उठ जाना बेहतर रहने वाला है। तांबे के लोटे में सूर्य को जलाभिषेक जरूर करें। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।